हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, जिनमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर का लास्ट कैरेक्टर चल रहा था लाइफ स्पैन या लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि। देखिए, कोई भी लिविंग थिंग है इस दुनिया में, वो बर्थ यानी जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और भी जितने भी इनके काम है वो यहाँ पर कंप्लीट करेगा और अल्टीमेटली ही कैन डाई, इसको मरना पड़ेगा। तो ये जन्म लेने से लेके मरने तक की जो ये अवधि है, जो ये टाइम ऑफ पीरियड है, इसको कहते हैं लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि। अलग अलग जीवों में अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। वहीं जैसे कि हम प्लांट की बात करें, कोई भी प्लांट है उसमें सीड होता है, सीड जर्मिनेट होता है और सीड जर्मिनेट होने पर प्लांट में कन्वर्ट होता है, ये स्मॉल प्लांट में, और उसके बाद ट्री रिप्रोड्यूस करता है और भी बाकी काम करता है और अल्टीमेटली इसको भी क्या होना है, डाई होना पड़ता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है। अलग अलग लिविंग थिंग की जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। वहीं अगर हम बात करें कि कोई अगर जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होता है ओनली 20 मिनट, 20 मिनट तक ही ये जिंदा रहते हैं। वहीं अगर हम एक फ्लाई मक्खी की बात करें तो इसका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। वहीं हम बात करें एक हाउस फ्लाई की, घर में पाए जाने वाली मक्खी की, तो उसका जीवन होता है 15 to 20 days के अप्रॉक्स इसका जीवन काल होता है। वहीं एक माउस यानी एक चूहे की बात करें तो माउस का जो लाइफ स्पैन है वो होता है 2 to 3 years। वहीं एक पैरट की बात करें तो लाइफ स्पैन होता है 15 to 20 years यानी 15 से 20 साल। वहीं अगर हम बात करें एक कैट की, कैट का लाइफ स्पैन होता है 20 ईयर। और एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का होता है 70 to 90 ईयर। और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे लॉयन 29 ईयर, पिजन 35 ईयर, हॉर्स 62 ईयर, बनियान ट्री 200 ईयर। यानी कि किसी का जीवन लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और किन्हीं का बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बाद हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। किसकी बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग की। नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि मैच करती हैं लिविंग थिंग के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मूवमेंट, कई ऐसे नॉन लिविंग थिंग है जो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रक, बाइक, ग्रोथ, क्लाउड्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, छोटे हो जाते हैं। लेकिन कार बस की बात करें तो यहाँ जो इनको मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो डीजल पेट्रोल से मिल रही है, जो हम दे रहे हैं। क्लाउड्स की बात करें तो ये एक्सटर्नल फिजिकल कोई यूनिट्स है जिनकी वजह से मिलकर प्रेशर और इसकी वजह से ये बड़े हो रहे हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है कि अपने आप ही फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटेक करके अपने न्यूट्रिशन को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, ऐसा नहीं है। यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनकी मैच कर सकती हैं लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं होते। डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में? तो डिफरेंस की अगर बात करें हम लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस की, तो देखिए लिविंग जो हैं ये लाइफ पसेस करते हैं, दे पसेस लाइफ यानी कि जीवन पाया जाता है। वहीं नॉन लिविंग की बात करें तो दे डू नॉट पसेस
लाइफ, किसी भी तरीके का जीवन ये पसेस नहीं करते, लाइफ इनमें नहीं पाई जाती। वहीं बात करें तो इनमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल, और यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये सेल से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। सेल से मिलकर नहीं बने होते, सीधी बात है, लिविंग नहीं है। ग्रोथ इनके अंदर पाई जाती है, ग्रोथ अगर इनके अंदर अगर ग्रोथ अगर है तो पाई तो जाएगी, लेकिन किसी एक्सटर्नल फिजिकल यूनिट की वजह से पाई जाएगी। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें तो ये मूवमेंट शो करते हैं, बिकॉज ये फूड इनटेक करते हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है। ये मूवमेंट या तो शो करेंगे नहीं, करेंगे तो इनके अंदर जो मूवमेंट शो करने का जो तरीका है वो इनमें जो एनर्जी जो होगी इनके अंदर वो एक्सटर्नल हमारे द्वारा दी जाएगी। वहीं हम बात करें तो ये फूड इनटेक करते हैं, ये फूड इनटेक नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये नहीं करते। ये रेस्पायर करते हैं, ये रेस्पायर नहीं करते। ये एक्सक्रिएट करते हैं, ये एक्सक्रिएट नहीं करते। इनका एक निश्चित लाइफ स्पैम होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैम है, उसके बाद मर जाएंगे। इनका कोई निश्चित लाइफ स्पैम नहीं होता। तो इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग अपना कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।